नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिक्की। अगर आपकी चिक्की अच्छी नहीं बनती है, दांतों में चिपकती है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको अब नहीं होने वाली है। तो इस तरह से हम चिक्की बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही क्रंची और बढ़िया बनेगी। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे मूंगफली। तो हमने यहाँ पे लगभग 2 कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है। चिक्की आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं, उतनी मूंगफली इसमें डाल सकते हैं। अब हम मीडियम आंच में मूंगफली को चलाते हुए भून लेंगे ताकि मूंगफली हमारी अच्छे से भून जाए। और इसी तरह हम चलाते रहेंगे और मूंगफली को भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। मूंगफली जब अच्छे से भून जाएगी तभी हमारी चिक्की अच्छी बनेगी। और इस तरह से हम चेक करेंगे, इसका छिलका उतरने लगे तो मूंगफली भूंजकर तैयार है। अब हमने यहाँ पे मूंगफली को ठंडा होने पर साफ कर लिया था इस तरह से हाथों से मसल मसल कर, और लास्ट में हमने लाल वाला पार्ट इस तरह से निकाल दिया है। तो बहुत ही अच्छे से ये साफ हो गई है। तो चिक्की बनाना शुरू करते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 कप हमने गुड़ डाला है। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद वाला गुड़ का इस्तेमाल किया है। लाल वाला गुड़ हमें चिक्की के लिए नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद वाला गुड़ ही चाहिए है चिक्की के लिए। और 1/2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे, आंच को हम धीमा ही रखेंगे। और इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे और धीमी आंच में ही हम इसे पकाएंगे। और इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे। जब गुड़ हमारा पक जाएगा तो ये बहुत ही हल्का दिखने लगेगा। इस तरह से बहुत ही हल्का दिखने लगा है, फूला फूला। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो जो गुड़ हमने कटोरी में डाला है इसकी हम गोली बनाएंगे, तो गोल बननी चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, या फिर ठंडा होने पर ये गोली आप मुँह में डालकर खा कर देख सकते हैं। ये दांतों में चिपकनी नहीं चाहिए। इस तरह से चाशनी को आप चेक कर सकते हैं और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे मिला लेंगे और सारी मूंगफली हम डालकर इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। तो चाशनी को आप इस तरह से चेक करेंगे मुंह में डालकर, ये दांतों में ना चिपके, तो चिक्की बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे निकाल कर साइड रख लेंगे। हमने यहाँ पे चिक्की को फैलाने के लिए बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी प्लेट या थाली पर तेल लगा लीजिए और चिक्की को फैला लीजिए। तो हम इसको बटर पेपर के ऊपर ही फैला रहे हैं और इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। हाथों से हल्का सा एक सा कर देंगे और बेलन की सहायता से अच्छे से इसे बेल देंगे। तो जितनी पतली मोटी चिक्की आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे बेल लीजिए। और बेलने के बाद हम तुरंत इसमें कट लगाएंगे, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम कट लगाएंगे तो ये अच्छे से कटेगी नहीं। तो इस तरह से हम गरम गरम में ही इसे काट लेंगे। जैसे पीस आपको चिक्की के पसंद हो उस हिसाब से आप इसे काट सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े से लंबे पीस में इसे काट लिया है। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चिक्की को अब हम ठंडा होने देते हैं। और ठंडे होने पर हम चिक्की को तोड़ के दिखाएंगे कितनी बढ़िया बनी है। तो ये ठंडी हो गई है तो इसे निकाल लेंगे। ये हल्की सी गर्म है और इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया चिक्की बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है।
मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। देखें कितनी बढ़िया टूट रही है, एकदम क्रंची बनी है।